नमस्कार और स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ फाइन लर्निंग के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर 7 खत्म कर लिया था। आज हम जीसी लियोंग चैप्टर 8 आपके लिए लेकर आए हैं। ये पार्ट 1 है और चैप्टर का नाम है लाइमस्टोन एंड चॉक फॉर्म। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लाइमस्टोन या चॉक कहते किसको है। तो ये हम जानना शुरू करें उससे पहले बस वही आपसे हमेशा वाला रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं आपके काम की बात। तो लाइमस्टोन एंड चॉक होता क्या है? असल में ये एक सेडिमेंट्री रॉक से बनने वाला पदार्थ है। जो ओवरऑल ये सेडिमेंट्री रॉक से बनता है इसी को लाइमस्टोन या चॉक के तौर पे जानते हैं। पर इसका जो कंपोजिशन है हमें वो पता होना चाहिए। ये कंपोजिशन ही है जो इस सेडिमेंट्री रॉक को बाकी किसी भी सेडिमेंट्री रॉक से अलग करेगा, क्योंकि देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। कोई भी जो रॉक स्ट्रक्चर है अगर वो लेयर्स में जमा होता है देन दैट सर्फेस या दैट रॉक स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे किसी भी रॉक स्ट्रक्चर जो सतहों के तौर पे जमा हो उनको सेडिमेंट्री रॉक के तौर पे ही जाना जाएगा। तो जो सेडिमेंट्री रॉक जो लाइमस्टोन है और बाकी किसी भी अन्य सेडिमेंट्री रॉक को जो अंतर करता है, जो डिफरेंस करता है, वो है इनके कंपोजिशन। तो आइए इसीलिए हम लाइमस्टोन के कंपोजिशन को समझते हैं पहले यहाँ पे। तो लाइमस्टोन पहले तौर पे एक ऑर्गेनिक ओरिजिन से बनता है, यानी इसका ओरिजिन जो है वह ऑर्गेनिक है, यानी कुदरती जीव जंतुओं से बनता है, यानी लिविंग फॉसिल जो कभी अपने टाइम में लिविंग होंगे या लिविंग का पार्ट होंगे ऐसे चीज़ों से बनता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेडिमेंट्री रॉक बनाती है? तो वो है कोरल्स या शी सेल्स। कभी ना कभी ये किसी ना किसी लिविंग बॉडी का हिस्सा थे। कोरल्स आमतौर पर हमने और आपने सबने देखा है, मतलब सामने से देखा नहीं हो बट पिक्चर्स वगैरह में ज़रूर देखा होगा अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। तो ये कोरल्स जब मर जाते हैं तो इनका सिर्फ हार्ड शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है सिर्फ वो बचता है। उसी की तरह जो ये सी शेल्स हैं ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो ये सब विद द टाइम अकोमुलेट होते हैं और एक दूसरे के साथ समुन्दर के पानी के से मार खाते हुए एक दूसरे के ऊपर जमा होते होते समय के प्रेशर से एक दूसरे के साथ सीमेंट हो जाते हैं। और ऐसे ही हज़ारों सालों में जो ये मल्टीपल लेयरिंग होता है, कोरल्स मरते हैं, शेल्स मरते हैं और फिर जब ये आपस में इकट्ठा होके व्हेन दे गेट टुगेदर विद द टाइम एंड विद द प्रेशर ये आपस में स्टिक हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं और इसके कारण ही ये लाइमस्टोन या चॉक का निर्माण करते हैं। बहुत सी जगहों पे जहाँ ये कैल्शियम कार्बोनेट के मुख्य तौर पे बने हुए होते हैं वहाँ इनको कैल्साइट के तौर पे जाना जाता है। कैल्साइट कैल्शियम प्लस कार्बोनेट। पर बहुत सी जगहों पे इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम भी जहाँ मिले जहाँ के लाइमस्टोन में ऐसे को डोलोमाइट के तौर पे जानते हैं। तो या तो ये कैल्शियाइट फॉर्मेशन होगा या तो ये डोलोमाइट फॉर्मेशन होगा। जो जो लाइमस्टोन और चॉक हम पढ़ रहे हैं इधर दे विल बी कैल्शियाइट या इट विल बी डोलोमाइट। और चॉक जो होता है, लाइमस्टोन एंड चॉक आर वेरी सिमिलर थिंग, पर जो चॉक होगा वो लाइमस्टोन का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होगा, एकदम वाइट क्लीन। तो जो चॉक होगा वो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होगा, वाइट होगा, सॉफ्ट होगा, क्लीन, एकदम चमकता हुआ। अब लाइमस्टोन जो होता है ये बहुत जल्दी पानी में घुलता है कंपेयर टू अदर रॉक स्ट्रक्चर। जो लाइमस्टोन है इस ये पानी में घुलने का जो इसका कैपेसिटी है ये बहुत ज़्यादा है अगर बाकी किसी भी तरह के आप पत्थरों से कंपेयर करें इसको। तो इसीलिए अगर इसके टोपोग्राफी वाले रीजन में हम जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लाइमस्टोन मौजूद है, जहाँ सरफेस जो है वो काफ़ी दूर तक काफ़ी बड़े एरिया में लाइमस्टोन सरफेस ही है, तो वहाँ हमें एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है। वहाँ की टोपोग्राफी ही हमें काफ़ी अलग दिखती है। इस अलग दिखने वाले टोपोग्राफी जो कि लाइमस्टोन वाले रीजन में ही प्रेजेंट होती है इसको कास्ट रीजन KARST कास्ट या कार्स्ट, बट इसको सीधे सीधे कास्ट बोलते हैं, कास्ट रीजन के तौर पे जाना जाता है। ये यूगोस्लाविया से आया है ये शब्द। यूगोस्लाविया में बहुत बड़ा इलाका जो है वो लाइमस्टोन का ही बना हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस जो है वो लाइमस्टोन सरफेस ही है। तो इसीलिए वहाँ पे ये जो कास्ट रीजन है ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ के लोग जो वहाँ पे जो सीन है, जो वहाँ की टोपोग्राफी है, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो कास्ट यूज़ करते हैं, KARST कास्ट। और इसीलिए ये शब्द जो कि रिलेटेड है लाइमस्टोन से, जो कि रिलेटेड है लाइमस्टोन टोपोग्राफी से, ऐसे टोपोग्राफी को ही हम कास्ट रीजन के तौर पे जानते हैं। एंड द ओरिजिन ऑफ दिस वर्ड इज़ फ्रॉम यूगोस्लाविया। अब जब कास्ट रीजन के टोपोग्राफी की बात हो रही है तो वहाँ का सरफेस कैसा दिखेगा ये हम समझते हैं। तो कास्ट रीजन का सरफेस काफ़ी अनइवन होगा, किसी भी जगह से आपको ब्रोकन सरफेसेस मिल सकते हैं।
कहीं भी आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलेंगे जो वाटर के द्वारा काटा जाता है। जो अगर लगातार वहाँ बारिश हो रही है, इस तरह का कोई भी वाटर फेनोमेना अवेलेबल है, पानी जैसा कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पे जो कास्ट रीजन होगा वो उसको काफ़ी डीप कट किया जाता है वाटर के द्वारा। इसीलिए ये जगह जगह पे आपको टूटा हुआ सा दिखता है, ब्रोकन टाइप ऑफ रीजन। मतलब आप ज़मीन पे गुजरते रहेंगे और ऐसा लगेगा ज़मीन हर जगह से कहीं ना कहीं से मानो टूटी हुई है। तो एक ऐसा ही जो वहाँ का टोपोग्राफी है वो कुछ ऐसा दिखता है, मानो द होल लैंड एरिया इज ब्रोकन डाउन इंटू फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स के तौर पर टूटा है, पूरा ज़मीन खुद से अलग होता जा रहा है। ऐसे एरिया में आपको सरफेस ड्रेनेज नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी जो स्ट्रीम है, इतना यहाँ बारिश हो रहा है, इतना यहाँ पानी का असर है, पर सरफेस पे आपको ये स्ट्रीम या ड्रेनेज या जल्दी वाटर सा कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। कारण कि वाटर पेनिट्रेट्स इनसाइड, पानी इसको काटता है और पानी जो है वो ज़मीन के अंदर से फ्लो करता है। जब तक काटेगा जब तक कि ज़मीन के अंदर इसको कोई स्ट्रॉन्ग रॉक नहीं मिल जाता जो आगे जाके नॉन पोरस हो और वाटर को अपने ऊपर होल्ड कर सके। तो जो लाइमस्टोन वाला एरिया है उसमें जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड फ्लो करती हैं और ये ज़मीन पे तभी इमर्ज होती हैं जब लाइमस्टोन वाला एरिया ख़त्म हो गया है, आगे जो ज़मीन मिल रहा है ये हार्ड रॉक सरफेस है, नॉन पोरस है, तो वाटर स्प्रिंग के तौर पे या स्ट्रीम के तौर पे वहाँ इमर्ज हो सकता है। पानी के ऐसे लगातार काटने से ये जो लाइमस्टोन है इनमें जॉइंट लाइक फीचर्स उभर के आते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि एक जगह से कटा है और नीचे से लाइमस्टोन कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कटाव और जुड़ाव का जो फीचर है ये लाइमस्टोन पेवमेंट जैसे सीन्स या व्यूज़ को बनाता है। जो फीचर है लाइमस्टोन पेवमेंट फीचर, इसको डेवलप करता है। अब लाइमस्टोन पेवमेंट क्या है? तो लाइमस्टोन पेवमेंट वो जगह है जो डेवलप होती है बिटवीन टू गलीज। अब जो कास्ट रीजन है, जो लाइमस्टोन वाला रीजन है जो वाटर लगातार काट रही है, तो दो चैनल्स के बीच का जो ज़मीन है, जो दो जगहों पे पानी ने काटा और उनके बीच में जो ज़मीन दिखा है, उसी को एज अ लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं। समय के साथ ये चैनल्स और गहरे होते जाते हैं, तो ऐसे इन लार्ज जॉइंट्स और ये जो जॉइंट है इसको और बड़ा करते जाता है। ये जो जॉइंट है, जो जुड़ाव है जहाँ से ये जुड़े हुए दिख रहे हैं, इनको और बड़ा करते जाता है, इनको और इन लार्ज करते जाता है। तो ऐसे जितने बड़ा हो जो जॉइंट, जो बड़े वाले जॉइंट होते हैं, इनको ग्राइक्स के तौर पर जानते हैं। इन जॉइंट्स को ग्राइक्स के तौर पर जानते हैं और वहीं बहुत से जो हिस्से हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक के तौर पर डेवलप होते हैं। कोई भी पेवमेंट जो बहुत बड़ा दिख रहा है, जॉइंट के तौर पे बहुत बड़ा दिख रहा है, यानी जो उनके बीच की दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो दो गलीज डेवलप हुई हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे जॉइंट्स को ग्राइक्स के तौर पे जानते हैं। और उसी में से कोई ग्राइक इस तरह कटा है कि जो उसके अंदर जो ब्लॉक है, जो लाइमस्टोन का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ ये जो गलीज हैं ये कटी हैं, इसने उस ब्लॉक को रेक्टेंगुलर शेप दे रखा है। आप समझिए कि जो साइड में जो पानी के वजह से जो रास्ते बने हैं, जो गलीज कटी हैं, वो तो डीपनिंग का काम कर रही हैं, तो वो डीपनिंग चारों तरफ से ऐसा हुआ कि जो सरफेस ऊपर की ओर है वो रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेसेस को क्लाइंट्स के तौर पे जानते हैं। तो ये थे ग्राइट्स एंड क्लेंट्स। क्लेंट्स आई थिंक ज़्यादा उचित प्रोनंसिएशन होगा बजाय क्लाइंट्स के। तो ग्राइक्स, क्लाइंट्स और लाइमस्टोन पेवमेंट। अब हम सिंक होल या स्वॉलो होल्स क्या होता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब पानी जहाँ से अंदर जा रहा है वहाँ पे एक छोटा सा होल सा डेवलप होगा। ऐसे छोटे और टेम्प्रेरी होल्स को डोलाइन के तौर पे जानते हैं। मतलब छोटे छोटे होल्स बहुत सारे डेवलप हो गए हैं किसी भी रीजन में, तो ऐसे रीजन्स को डोलाइन के तौर पे जानते हैं। और अगर ये थोड़ा और ये जो छोटे छोटे छेद हैं, अगर ये थोड़े और बड़े बड़े हों, तो इसको उव्यूला, UVALA, यूवाला आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो डोलाइन है ये मर्ज होके बहुत बड़े हो जाएं, तो इनको यूवाला कहते हैं। ये डोलाइन और यूवाला बाद में और अंडरकटिंग करते करते हुए सिंक होल वाला सीन डेवलप करते हैं, सिंक होल या स्वॉलो होल्स कहते हैं। मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो अंदर गुफाएं डेवलप हुई हैं वो अचानक गिर जाती हैं एंड दे टेक द शेप ऑफ सिंक होल या स्वॉलो होल। तो अगर कहीं सिंक होल है जो कि बड़ा हो रहा है, तो वो तब तक काटता रहेगा जब तक कि वो ऐसे जगह तक ना पहुंच जाए जहां पे कि वो पानी जो है वो नॉन पोरस सरफेस को छू रहा हो। तो ये काफ़ी बड़े बड़े गुफाओं का निर्माण करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े अंडर पैसेजेस का निर्माण करते हैं। अगर ऐसे रीजन्स में आप जाते हैं और कास्ट एरिया में आप घूमते हैं, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट अगर आपको कोई घुमाता है जो उस एरिया का एक्सपर्ट है, तो यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुल एंड सम अमेजिंग टोपोग्राफिकल फीचर्स
अंडरग्राउंड जमीन के अंदर कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कास्ट रीजन में कुछ कमाल के फीचर्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो लाइमस्टोन पेवमेंट जैसे ज़मीन के अंदर ही एक पूरा मतलब फीचर बन चुका है, ठीक है। और ये फीचर विद द टाइम ज़मीन पर भी आता है। तो ये ज़मीन के अंदर बनने वाला फीचर ज़मीन पर कैसे आता है, तो जैसे कि ये हॉलो आउट जो वाटर कर रहा है जो कास्ट रीजन में जो लाइमस्टोन के अंदर पूरी गुफाएं बन रहा है, तो ये काटते काटते बाद में ये गुफाएं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। और लाइमस्टोन जो कंपेयर टू अदर रॉक्स हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े थोड़े नाजुक होते हैं कंपेयर टू अदर रॉक्स, ठीक है। तो ये विद द टाइम जब ये गुफाएं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं कि अपने हेड सरफेस यानी इनके ऊपर के सरफेस को ये सस्टेन नहीं कर सकती हैं, देन दे ब्रेक डाउन और ये गिर जाते हैं अपने नीचे अंदर की ओर। और फिर जो अंदर का जो सरफेस है, जो अंदर की जो टोपोग्राफी है, जो पानी ने लाइमस्टोन के अपर सरफेस के नीचे बनाया है, वो टोपोग्राफी रिवील होती है, वो टोपोग्राफी हमें बाहर की ओर दिखती है। तो कास्ट रीजन में ये भी काफ़ी होता है कि मेनी टाइम्स बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं अंडरग्राउंड बनाई गई और सडनली वो पूरी गुफा ही अंदर की ओर गिर जाए, टूट जाए, तो अंदर का पूरा सीन या सिस्टम दिखता है। इसीलिए कास्ट रीजन में जो रहना वगैरह है ये सब थोड़ा खतरनाक होता है। अचानक किसी भी जगह सिंक होल टाइप रीजन्स डेवलप हो जाते हैं। अब तो लगता है दुनिया भर में किसी भी जगह डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू अननेसेसरी वाटर वेस्टेज, टू मच ऑफ मिसयूज ऑफ आर नेचुरल सिस्टम। तो सिंक होल अभी आप देखेंगे कि मेक्सिको वगैरह में बहुत सी जगहों पर बड़े बड़े सिंक होल डेवलप हो रहे हैं, जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतने बड़े बड़े सिंक होल कैसे इन सब रीजन्स में डेवलप हो रहे हैं। तो आई थिंक टू मच ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर और फिर हर जगह जाके घुस के बस जाना, हर जगह खेती करने में लग जाना, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति को अपसेट कर रही हैं। ये लाइमस्टोन रीजन में आपको गॉजेस भी मिलेंगे। तो गॉजेस क्यों मिलते हैं, तो सेम रीज़न है कि जो वाटर लाइमस्टोन के अंदर गया वो विद द टाइम सालों के समय में ज़मीन के अंदर उसने कटाई की, बहुत सारे वाटर पैसेजेस बनाए। फिर जब इस वाटर पैसेजेस के जो हेड हैं अगर ये गिर जाएं, ये टूट जाएं, तो ये जो कैवर्न लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो साइड में क्लिफ्स बन जाएंगे और नीचे बीच से वाटर गुजर रहा होगा, तो इस तरह का पूरा सिस्टम सामने दिखने लगता है। अब इस तरह का सिस्टम जब फीचर में आता है तो ये काफ़ी हद तक रिसेम्बल करने लगता है जो हमारा गॉर्ज फीचर है, उस तरह से जो गॉर्जेज जिस जगहों पे पाए जाते हैं उस तरह के फीचर से ये रिसेम्बल करने लगता है। तो इसीलिए लाइमस्टोन रीजन्स में आपको गॉर्जेज टाइप भी मतलब ज़मीन के हिस्से आपको दिखेंगे, गॉर्जेज टाइप टोपोग्राफी भी आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। यूगोस्लाविया में बहुत बड़े बड़े डिप्रेशंस हैं, मतलब पानी ने इतना कटाव किया है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे डिप्रेशन से दिखते हैं। वहाँ ऐसे डिप्रेशंस को पोलजे के तौर पे जानते हैं। हमने पीछे डोलाइन देखा था, युवाला देखा था, ये छोटे छोटे डिप्रेशन थे और डोलाइन जो थे वो छोटे छोटे डिप्रेशन थे। और जब ये छोटे छोटे डिप्रेशन आपस में काफ़ी सारे मिल जाते हैं तो ये उवाला का काम करते हैं। छोटे छोटे डिप्रेशन जब मिलके उवाला बनाते हैं तो आपको बड़ा खूबसूरत सा एक लेक सा व्यू मिलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, कमाल का सीन होता है, एकदम क्लीन और क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है और जो सरफेस होता है वो एकदम वाइट अंडरग्राउंड सरफेस उसका दिख रहा होता है, बट वो अंडर कटिंग चालू रहता है पानी के कारण। तो उवाला, डोलाइन और युगोस्लाविया में जब ये बहुत बड़ा डिप्रेशन हो जाए तो उसको पोलजे के तौर पर कहते हैं। युगोस्लाविया के कुछ टर्म्स इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो कास्ट रीजन है ये शब्द ही आया है युगोस्लाविया से। अब हम कास्ट रीजन का जो कुछ सबसे खूबसूरत, जो सबसे रिकॉग्नाइज टोपोग्राफी है, जो ज़मीन पे नहीं ज़मीन के अंदर दिखती है, जिसके लिए कास्ट रीजन बेहद फेमस है, इस चीज़ को देखने के लिए लोग खास तौर पे इन जगहों पे विजिट करते हैं, घूमने जाते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे जाना कि किस तरह से सिंक होल्स डेवलप हो जाते हैं, सॉलो होल्स डेवलप हो जाते हैं और ये अंदर जब ये पानी पूरा जा रहा है तो ये पूरा एक केव सिस्टम बनाता है, बड़े बड़े केव्स। इन केव्स के अंदर आपको पूरा एक अलग ही दुनिया देखने को मिलता है, पूरी एक अलग ही प्रजातियों की दुनिया, एक अलग ही सिस्टम देखने को मिल सकता है। अंदर ही आपको लेक्स मिल जाएंगे, रिवर सिस्टम तो जा ही रहा है जो ये पूरा बना रहा है ये पूरा सिस्टम को, तो रिवर सिस्टम तो दिखेगा ही। तो इस केव के अंदर आपको पूरा लेक दिखेगा, पॉन्ड्स दिखेंगे, कुछ ऐसे स्पीशीज़ दिखते हैं इन पानियों में जो सिर्फ इन्हीं जगहों पे पाई जाती हैं, धरती पे और किसी जगह पे नहीं पाई जाती, इस तरह की स्पीशीज़ भी यहाँ दिखेंगी आपको। और जो मोस्ट स्पेक्टेकुलर जो सीन यहाँ दिखता है वो है स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेगमाइट्स एंड पिलर्स। समझना हम शुरू करते हैं स्टेलेक्टाइट से। हम सब ने थॉर्न तो ज़रूर देखा है, थॉर्न यानी कांटा। तो ये बिल्कुल एक कांटे के शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस इसका जो फॉर्मेशन है ये होता है उन केव्स में जो कास्ट रीजन में बनती हैं, और ये केव्स में बनती हैं अपसाइड डाउन, यानी गुफाओं से नीचे की ओर बिल्कुल कांटे जैसी
हॉर्न के जैसी एक शेप आपको मिलेगी और ये ही कहलाते हैं स्टेलेक्टाइट्स। अब सवाल है कि ये बनते कैसे हैं। स्टेलेक्टाइट एज अ स्ट्रक्चर, यानी इसका कंपोजिशन देखें, यानी ये खुद किस चीज़ से बना है, तो इसका जो सेल्फ स्ट्रक्चर है, यानी ये जो खुद जो इसमें मटेरियल है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये खुद ही लाइमस्टोन है। तो फिर ये एक अनोखा शेप कैसे लेता है? तो असल में जो कास्ट रीजन में जो बारिश हो रही है, जो पानी में जो लाइमस्टोन घुल रहा है, वो इन केव्स के छतों से टपकता रहता है पानी। और जब ये केव्स के छत से टपकते हैं तो इन बिटवीन ये पानी हवा में ही ड्राई भी हो जाते हैं बहुत बार। तो ये ड्राई होने के कारण छतों पे ही ये जो ड्राई तो सिर्फ पानी होगा स्टीम बन के, पर इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये छत पे ही छोड़ देते हैं। अब हम और आप सब जानते हैं कि लाइमस्टोन का इस्तेमाल प्लास्टर, सीमेंट्स वगैरह में होता रहा है, यानी ये काफ़ी अच्छा पेस्ट बनाते हैं और अपने सतहों से चिपकने में काफ़ी माहिर होते हैं। इवन एथेंस एंशियंट टाइम्स में भी जो पहला सीमेंट बना था वो लाइमस्टोन का ही बना था। तो लाइमस्टोन जो है वो काफ़ी अच्छा बाइंडर होता है, तो ये छत से बड़े अच्छे से चिपक जाता है। अब विद द टाइम ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है, तो ये बड़े अच्छे से, यहाँ आप जो देख सकते हैं, ये बड़े अच्छे से एक शेप ले लेता है, जहाँ ये पानी का पॉइंटर आएगा वहाँ पे पतला होगा और ऊपर से जमते जमते मोटा होते हुए फिर से नीचे की ओर पतला आते हुए, विद द टाइम ये और बड़ा होगा तो ये जो नीचे जो पॉइंटर है यहाँ भी ये थोड़ा और थिकनिंग हो जाएगा और नीचे जाकर और थोड़ा पॉइंटेड हो जाएगा। तो इस तरह का शेप बनाते हैं, इसी को कहते हैं स्टेलेक्टाइट, जो छत से लटकते हुए ये थॉर्न जैसा शेप, कांटे जैसा ये शेप में जो अवेलेबल जो हमें ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेलेक्टाइट। अब स्टेलेगमाइट इसका भाई ही है, पर ये भाई ज़रा उल्टा है, रिश्तेदार है, भाई है, ये ज़मीन से उगता है। अब जो ऊपर से जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो ज़मीन पर टप टप करके गिरती ही होंगी, तो ये जब ज़मीन पर टप टप करके गिर रही हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो ऊपर वाले स्टेलेगमाइट से नीचे गिर रहा है, उसकी उसके मुंह से जो ये नीचे गिरता है और कुछ वहीं पे जम जाता है, उस पानी में भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये नीचे की ओर भी ये पानी इवेपोरेट होगा और ये जमेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये पानी इवेपोरेट होते जाता है, तो सालों के प्रोसेस में ये जो सेम प्रोसेस ऊपर हुआ वो सेम प्रोसेस नीचे की ओर आएगा, जहाँ पानी गिरता जाएगा उसके ऊपर ये जमता रहता है, तो नीचे की ओर भी एक थॉर्न जैसा शेप बना लेता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों हर बार दोनों सेम तौर पर ही डेवलप हो, पर अगर कई बार ये सेम तौर पे जब डेवलप हो रहे थे तो ये बीच में आकर कहीं मिल जाते हैं, और जब इनका मिलाप हो जाता है तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो ऊपर केव के वॉल से लेके केव के छत से लेके ज़मीन तक जुड़ा होता है, और ये एक शेप बनाते हैं पिलर का। तो ये फिर ना स्टेलेक्टाइट रहेगा ना स्टेलेगमाइट रहेगा, ये आपस में मिलके एक कंप्लीट पिलर बना देते हैं। तो ये हमारा केव के अंदर जो तीनों फीचर हुआ, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट और पिलर, ये तीनों हमने जाना। कुछ फेमस लाइमस्टोन केव्स जो हैं वो देख लीजिए, जैसे बाटू केव्स कोलालंपुर, मैमथ केव केंटकी, कार्ल्सबर्ग केव न्यू मैक्सिको यूएसए में है, यूगोस्लाविया तो खैर इसका जगह ही है, तो इन सब जगहों पे आपको ये सारे केव्स मिलेंगे। कभी किसी का जाना हुआ तो घूमिए, देखिए, कमाल की जगह है। आइए अब हम दुनिया के कुछ मेजर लाइमस्टोन रीजन्स के बारे में जानते हैं। तो लाइमस्टोन का सबसे जो बेस्ट रीजन है वो यूगोस्लाविया ही जाना जाता है, यूगोस्लाविया के तौर पे। और बट अदर कंट्रीज़ में आपको अगर जाना है तो फ्रांस है, फ्रांस का जो सदर्न हिस्सा है वो भी लाइमस्टोन के लिए काफ़ी फेमस है। उसके बाद पेनिन्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में एक जगह है पेनिन्स करके, वहाँ है यॉर्कशायर, डर्बीशायर, केंटकी, ये सब अमेरिका में आपको मिल जाएंगे, यूकाटान पेनिनसुला इन मेक्सिको हो गया, कॉकपिट कंट्री इन जमाइका, और इस तरह से बहुत से अदर एग्जाम्पल्स अगर आपको और ढूंढना है तो आप ढूंढिए। अब कास्ट रीजन और ह्यूमन एक्टिविटी ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। कास्ट रीजन आमतौर पर बैरन होते हैं, यानी यहाँ खेती का कोई खास ज़्यादा स्कोप है नहीं, खेती का भी स्कोप नहीं है और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप नहीं है, क्योंकि एरिया काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा अनइवन होता है और कभी भी कोई भी हिस्सा गिर सकता है, तो इसलिए बैरन है और मोस्टली अनइनहैबिटेबल भी होता है। पर ये तो बात हो गई वहाँ पे ह्यूमन लिविंग की और ह्यूमन एग्रीकल्चर की, जो कि थोड़ा मुश्किल है। पर अगर कोई कास्ट रीजन ट्रॉपिकल एरिया में हो जहाँ पे लगातार घनघोर बारिश होती रही हो ईयर राउंड, तब कुछ ना कुछ वेजिटेशन वहाँ उग ही जाता है, क्योंकि लगातार उसको बारिश मिल रहा है, अदरवाइज सरफेस पे तो पानी टिकता नहीं है, तो वेजिटेशन के लिए पानी एक्सेस कर पाना संभव नहीं है, पानी जो है फटाक से नीचे बह जाता है, तो अपर वेजिटेशन जिसको सूरज की धूप भी चाहिए और पानी भी चाहिए उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। पर अगर ट्रॉपिकल रीजन है जहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो कुछ ना कुछ तरीके का वेजिटेशन जहाँ रेगुलरली वाटर अवेलेबिलिटी बनी हुई है, तो किसी न किसी प्रकार का सिंपल या बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो कोई ना कोई वेजिटेशन ऐसे जगहों पे आ जाता है। अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन जो है
वो इस्तेमाल होता है बिल्डिंग मटेरियल में, सीमेंट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। और अगर ये लाइमस्टोन सालों के प्रेशर से काफ़ी हार्डेंड हो जाए, जहाँ वाटर इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, तो ये मार्बल के तौर पे भी डेवलप हो जाता है। अब आखिरी जो टर्म है वो है चौक। चौक का जो लैंडफॉर्म है ये थोड़ा अलग होता है लाइमस्टोन वाले रीजन से। अब जैसा कि हमने जाना था, चौक जो होता है वो लाइमस्टोन के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ज़्यादा प्योर फॉर्म में होता है, तो इस वजह से पानी से ये जल्दी घुलेगा और ईजिली पानी इसको काट पाता है। तो जहाँ चौक वाला जो रीजन है, जहाँ ज़्यादा चौकी टाइप है, जहाँ लाइमस्टोन ज़्यादा प्योर फॉर्म में अवेलेबल है कहिए, तो वहाँ पे रिवर पहली बात तो कभी भी ऊपर फ्लो नहीं करता, फट से पानी आएगा, पट से काट लेगा ज़मीन। और इतना सॉफ्ट होने के कारण यहाँ केव सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाता है, यानी अगर कोई केव बनने का कोशिश भी करेगा तो उसका रूप बहुत फटाक से गिर जाता है। सरफेस पे तो जल्दी रिवर सिस्टम दिखता ही नहीं है, क्योंकि ईजिली ये अंडरकट करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वैलीज़ बहुत ज़्यादा बनाता है, डीप वैलीज़ बनेगा अगर जितना भी इसका कैपेबिलिटी है उस हिसाब से यहाँ वैलीज़ बनते हैं। और विद द टाइम जब ये रीजन पूरी तरह से कट डाउन हो जाए, तो रिवर सिस्टम या स्ट्रीम सिस्टम है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, सिर्फ ड्राई वैलीज़ दिखते हैं। ऐसे वैलीज़ को जो कि ड्राई हो चुके हैं उनको कूम्ब्स के तौर पर जानते हैं, कूम्ब्स, COOMBES, कूम्ब्स। इस तरह का जो रीजन है ये राउंडेड हिल टाइप भी बनाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटाई हुआ है वाटर की वजह से, तो ईजिली तो इसमें केव्स बनते नहीं है, तो जो बचे हैं वो राउंडेड हिल्स बहुत अच्छे से शेप्ड अप हिल्स के तौर पे दिखते हैं। आज के समय में ये इंग्लैंड फ्रांस के कुछ इलाकों में ये दिखते हैं, और इनका वुडलैंड के तौर पे इस्तेमाल होता है, एरेबल फार्मिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, और समटाइम्स पास्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है, पास्चर लैंड के लिए। तो ये इस्तेमाल कैसे होता है, क्योंकि ये एरिया में अंडरग्राउंड केव्स हैं नहीं, जो इसके गड्ढे होते हैं, जो इसमें जो छेद होते हैं ये थोड़े ज़्यादा छोटे होते हैं, तो यानी अगर इसमें पानी डाले तो ये थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ये थोड़ा बहुत होल्ड भी करते हैं, अगर कटाव वाला है तो वो तो कटाव होगा, बट अदरवाइज होल्ड करते हैं, तो इसलिए वेजिटेशन वगैरह इधर उग जाता है। बट अंडरग्राउंड केव्स वगैरह ना होने के कारण एरिया भी थोड़ा सेफ होता है, तो इसलिए पास्चर हो गया, वुडलैंड हो गया, थोड़ी बहुत फार्मिंग हो गई, वो यहाँ पे होती है। तो इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड का जो ईस्टर्न एरिया है, साउथ ईस्टर्न एरिया, वहाँ पे ये सीन्स आपको पाए जाएंगे, चौक के चौक से बने हुए फीचर्स आपको दिखेंगे। वहीं जो नदर्न फ्रांस है उधर चौक के बने हुए आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 ख़त्म होता है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप खुश रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।